डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू डू थर्ड चैप्टर इन योर जीके सब्जेक्ट, दैट इज़ द फ्यूचरिस्टिक मिसाइल्स। मिसाइल्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन ऑफ आवर कंट्रीज डिफेंस। इंडियाज़ इंटीग्रेटेड मिसाइल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन 1982-3 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इंडिया हैज़ सो फार डेवलप्ड 6 मिसाइल्स विच आर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एट पर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जो मिसाइल्स होती हैं बेटा, वो इम्पोर्टेंट पार्ट होती हैं किसी भी कंट्री की डिफेंस का। डिफेंस होता है आत्मरक्षा करना, अपना बचाव करना, कि कंट्री की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए ज़रूरी होती हैं। और इंडिया ने कुल मिलाकर अभी तक 6 डेवलप किए हैं ये मिसाइल्स। और ये जो चेयरमैनशिप यानी कि इनका जो हेड था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। और सारी की सारी जो ये मिसाइल्स हैं बेटा, एडवांस टेक्नोलॉजी की हैं। वन बाय वन हम 6 की 6 डिटेल में इनको रीड करेंगे बेटा। द फर्स्ट इज़ दिस इज़ द लो लेवल क्विक रिएक्शन सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स विच इज़ डेवलप फॉर द 3 डिफेंस सर्विसेज। इन इट्स फर्स्ट टेस्ट लॉन्च वॉज मेड इन सेप्टेम्बर 1985। द नेम ऑफ दिस मिसाइल इज़ बेटा त्रिशूल। आपने याद रखना है इस मिसाइल का नाम क्या है, त्रिशूल। और ये इसे जो मेन बात लर्न करने की वो क्या है, ये लो लेवल क्विक रिएक्शन है और सरफेस टू सरफेस। क्या है बेटा इसमें, सरफेस टू सरफेस। और इसकी जो टेस्टिंग हुई थी कब हुई थी, सितंबर 1985 में, त्रिशूल। द सेकंड इज दिस इज़ द एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स फायर एंड फॉरगेट। इट इज़ डेवलप्ड टू एडवांस इन द टैंक आर्मर। फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट ऑफ इट वॉज मेड इन 1988। इसका नेम है बेटा नाग। और लंग रखना इसको कि ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स है। क्या है ये, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स है। और इसका जो फर्स्ट टेस्टिंग हुई थी 1988 में हुई थी बेटा। नेक्स्ट इज थर्ड, दिस इज सरफेस टू सरफेस बैटलफील्ड मिसाइल्स विच इज डेवलप्ड टू हिट अ टारगेट विदाउट द हेल्प ऑफ एयरफोर्स। द फर्स्ट टेस्ट लॉन्च ऑफ दिस मिसाइल वॉज मेड ऑन February 25, 1988 फ्रॉम श्रीहरिकोटा। द नेम ऑफ दिस मिसाइल इज़ पृथ्वी। क्या है बेटा, पृथ्वी। इसमें अगेन लर्न करना, सरफेस टू सरफेस के लिए है ये। और इसकी जो फर्स्ट टेस्टिंग हुई थी वो कहाँ से हुई थी, श्रीहरिकोटा से हुई थी, February 25, 1988 में, पृथ्वी। जो फोर्थ है हमारी दिस इज़ द सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल विच इज़ डेवलप्ड टू टेस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एंड इंडिजिनियसली बिल्ट हीट शील्ड। इट्स फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट लॉन्च वॉज मेड ऑन May 22, 1989 फ्रॉम द चंदीपुर ओडिशा। ये भी सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स है। और इसका जो परीक्षण हुआ था, टेस्टिंग हुई थी, वो ओडिशा में हुई थी, चंदीपुर नामक प्लेस से। और इसका नेम क्या है बेटा, अग्नि। हमारी फिफ्थ है, इट इज़ अ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। अब की बार क्या, सरफेस टू सरफेस नहीं, सरफेस टू एयर। आकाश नाम से ही पता चल रहा है कि धरती से आकाश की ओर जाने वाली। इट इज़ अ फ्यूचरिस्टिक मिसाइल विच इज़ डिजाइन टू डिफेंड लार्ज इंस्टॉलेशन लाइक ऑयल फील्ड्स अगेंस्ट एनमी एयर अटैक्स। जो एनमी होती हैं वो दुश्मन एयर में, मतलब हवा में ऊपर हमला कर देते हैं हमारे ऑयल टैंक्स वगैरह पे, उनकी डिफेंड करने के लिए मिसाइल डेवलप की गई है, जिसका नेम क्या है बेटा, आकाश। सिक्स लास्ट, इट इज़ इंडिया सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इट वॉज सक्सेसफुली लॉन्च्ड ऑन March 21, 2010 ऑफ द ओडिशा कोस्ट, दैट इज़ द ब्रह्मोस। ये भी ओडिशा कोस्ट किनारे पर हुई है, समुंदर के किनारे पर। और इसका नेम क्या है, ब्रह्मोस, सुपरसोनिक क्रूज है। और लास्ट में आप फाइल फैक्ट में इसकी फुल फॉर्म जरूर लर्न करोगे, एप्पल की, एरेना प्रोजेक्ट पे लोड एक्सपेरिमेंट। एप्पल की फुल फॉर्म है एरेना प्रोजेक्ट पे लोड एक्सपेरिमेंट। यू कैन स्पीक द रेस्ट ऑफ द नॉलेज। सो टुडे वी हैव लर्न रीड अबाउट 6 वेरी इंपॉर्टेंट मिसाइल्स ऑफ इंडिया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।